नमस्कार, स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, और सबसे पहले नजर डालेंगे 3 बजे की 4 बड़ी खबरों पर। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं 4 बड़ी खबरों से। पहली खबर जुड़ी है कुवैत से कोची आए भारतीयों के 45 शव से। वायुसेना के विशेष विमान से 45 भारतीयों के शव कोची आए। जब शव वो पहुंचे तो परिजनों में मातम पसर गया। दूसरी खबर है बलौदा बाजार की, जहां हुई हिंसा पर अब राजनीति भी खूब हो रही है। आज कांग्रेस का दल यहाँ पर घटनास्थल की जाँच के लिए पहुंचा है, तो बीजेपी ने भी एक कमेटी बना दी है। तो वही मध्य प्रदेश के सीएम राइज स्कूल का डंका बज रहा है। वर्ल्ड रैंकिंग में मध्य प्रदेश के स्कूल टॉप 10 में है। चौथी खबर है उज्जैन से, जहां पर पुलिस ने सटोरियों से पूरे 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। गोरखपुर में संघ का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार भागवत से सीएम योगी मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। गोरखपुर में संघ का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। बता दें हाल ही में लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और अब सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह जुड़ गए हैं। आदर्श, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सीएम योगी मिलने जा रहे हैं और ये पहली बार होगा जब चुनावी नतीजों के बाद मुलाकात होगी। देखिए बिल्कुल, 3 दिवसीय एक ट्रेनिंग सेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गोरखपुर में, और इसी सेशन के दौरान कल यानी 15 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि जो यूपी में चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें न सिर्फ इन नतीजों के ऊपर चर्चा हो सकती है, बल्कि आने वाले दिनों में संगठनात्मक तौर पर क्या बदलाव संघ या बीजेपी के उच्च स्तरीय टीम में हो सकती है उसको लेकर भी बातचीत होगी। और माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार यूपी को लेकर बात की जा रही है, उसके नेतृत्व को लेकर बात की जा रही है, उसको लेकर भी बातचीत हो सकती है दोनों के बीच में। जी बिल्कुल आदर्श, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी और गोरखपुर में संकट ट्रेनिंग सेशन चल रहा है और इसी दौरान ये मुलाकात होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे, उज्जैन की बात करेंगे, जहां आज 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई है। पूरे 15 करोड़ रुपए पुलिस की टीम ने सटोरियों से बरामद किए हैं। रकम इतनी बड़ी थी कि पुलिस को नोटों की गिनती के लिए मशीन बुलानी पड़ी। इन सटोरियों से पुलिस को 7 देशों की विदेशी करेंसी भी मिली है। पुलिस ने मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अभी भी पुलिस की गिरफ्त से मुख्य आरोपी फरार है। बड़ा एक्शन है उज्जैन पुलिस का, 15 करोड़ रुपए से भी ज्यादा नकदी बरामद की गई है। और आप देखिए ये तस्वीरें, सटोरियों से 15 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई। सीधे रुख करेंगे उज्जैन का, संवाददाता संतोष कृष्णानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, एक बड़ी कार्रवाई को पुलिस ने अंजाम दिया है, 15 करोड़ की नकदी बरामद की गई है, क्या अपडेट इस मामले को लेकर संतोष? बिल्कुल रितु, बताना चाहेंगे उज्जैन पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिस प्रकार सटोरियों की पर्दाफाश किया, उसमें 15 करोड़ से भी ज़्यादा नगद राशि मिली और साथ ही 7 विदेशी कंट्रियों की राशि भी यहां पर बरामद की गई, करेंसी बरामद की और 9 आरोपियों को धर दबोचा है। जो मुख्य आरोपी है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर चल रहा है, और जिस प्रकार कार्रवाई को अंजाम दिया है उज्जैन की पुलिस की पीठ थपथपाई है आईजी खुद, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारे समय खुद पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, धन्यवाद। सर, एक सटोरियों के खिलाफ मुहिम चलाई थी, आज पर्दाफाश किया है, 15 करोड़ से भी नकद राशि बरामद की गई, किस प्रकार सफलता लगी? ये इस मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, पिछले 2-3 दिन से हम लोग इसको रेकी कर रहे थे। कल रात में दोनों जगह साइमल्टेनियसली दबिश दी गई थी। इसमें हमारे दोनों एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी नानाखेड़ा, डीएसपी क्राइम, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़ा अच्छे से पॉलिश्ड वे में पूरी रेड की गई, पूरी वीडियोग्राफी की गई। इसमें करीब 15 करोड़ रुपये कैश बरामद हुआ है, बहुत सारे 7 देशों की इसमें फॉरेन करेंसीज है, कुछ ऑर्नामेंट्स भी हैं, कुछ सिल्वर का बुलियन भी है, वो सब भी जब्त किया गया। बहुत सारे डिवाइसेस हैं, अभी उसका एनालिसिस किया जा रहा है। इसमें मामला दर्ज किया गया, 9 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुख्य आरोपी जो पीयूष है वो अभी फरार है, उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, और विदेश ना भाग पाए इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर ऑलरेडी जारी कर दिया गया। जो 9 लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, कहाँ कहाँ के रहने वाले और कैसे उज्जैन से इनके तार जुड़े, क्योंकि बड़ा सट्टा है सर।
ये पंजाब, लुधियाना, नीमच, अलग अलग जगह के रहने वाले कुछ 9 लोग हैं। ये अलग अलग माध्यमों से इससे पीयूष के से संपर्क में आए थे, और ये जब यूके गया था तो ये वहाँ के कुछ बुकीज से संपर्क में आया था। वहीं से इसने लंदन एक्सचेंज की वेबसाइट का आईडी लिया और उसी के माध्यम से यहाँ पे बेटिंग की जाती थी। जैसे आपने बताया कि जिसमें बाहर के भी कई लोग हैं इसमें शामिल, तो इसमें किस प्रकार यहाँ खेलते थे, क्योंकि क्रिकेट लगातार T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसके अलावा भी इनका कोई किस प्रकार का कोई भंडा फट हो? हाँ, ये कई तरह के उस पर खेलते थे, ना केवल क्रिकेट, ये टेनिस, बैडमिंटन, जितने भी स्पोर्ट्स होते सभी पर बेटिंग करते थे। तो ये पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस प्रकार 9 लोगों को बरामद किया है, और साथ ही विदेश न जा पाए इसके लेकर भी टीम गठित की गई है, और विदेश मंत्रालय को और मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके बारे में अवगत कराया गया है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार पुलिस की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, उसमें कहीं ना कहीं सभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पुलिस अधीक्षक आज संतोष कुमार सिंह को भी बधाइयां दी है। बिल्कुल संतोष, एक देखिए बड़ी कार्रवाई है, और उम्मीद है कि इसी तरह की कार्रवाई आने वाले समय में और भी देखने को मिलेगी। फिलहाल शुक्रिया संतोष आपका जानकारी के लिए। तो 15 करोड़ रुपए सटोरियों से जब्त किए गए हैं, और इसके साथ ही लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की नीट परीक्षा मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सुना याचिकाकर्ता का पक्ष। याचिकाकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हाईकोर्ट ने जुलाई के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई तय की है। तो नीट परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष भी सुना। याचिकाकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है, और हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर जुलाई के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई तय की है। तो हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुना है नीट परीक्षा मामले को लेकर, ये खबर आपको बता दें। और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुना, जिसमें मांग की गई थी कि इस मामले की सुनवाई हो, और हाईकोर्ट ने अब जुलाई के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई तय की है। यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में नीट मामले को लेकर सुनवाई होगी, और इस सुनवाई में फैसला लिया जाएगा। हालांकि फैसला क्या होगा इस सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन आज जो सुनवाई हुई, याचिकाकर्ता ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है, और हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का आज पक्ष सुना। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नीट परीक्षा मामले पर सुनवाई हुई हाईकोर्ट में, और जुलाई का पहला हफ्ता ये समय तय किया गया है जब इस मामले में एक और सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की जाए, और इसी को लेकर आज सुनवाई की गई। और सीधे रुख करेंगे जबलपुर का, संवाददाता दुर्गेश साहू हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, नीट परीक्षा मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई रही, क्या कुछ बड़ी बातें इसकी रही हैं, और अब अगली तारीख भी दे दी गई है? दुर्गेश, बिल्कुल, देखिए जबलपुर की एक छात्रा ने जबलपुर हाईकोर्ट में ये पिटीशन दायर की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है और अभी वहाँ पर लगातार सुनवाई चल रही है, लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट में भी दायर की गई इस याचिका में साफ तौर पर यही मुद्दा उठाया गया है कि नीड की जो इस बार का एग्जाम हुआ उसमें बड़े स्तर पर गड़बड़झाला किया गया है, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है, और कई छात्रों को जो एक से मार्क मिले हैं, एक से नंबर्स मिले हैं, उसमें इस बात का साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी हुई है, बड़ी तरीके से घोटाला हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो दिन रात मेहनत करके डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके सपनों पर ये पानी फिरने का काम किया गया है। तो इसलिए इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, और इस पूरे मामले को याचिकाकर्ता का पक्ष आज हाईकोर्ट ने सुना है, और सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगले सप्ताह जो माह जो है इस मामले की तारीख तय की है, और उस पर फिर अब सरकार की ओर से भी जवाब मांगा जाएगा कि आपका इस पूरे मसले पर क्या कहना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लंबे था, तो देखना होगा कि हाईकोर्ट में जब इस पर सुनवाई होती है तो अगली सुनवाई पर क्या कुछ निकल कर क्या कुछ हाईकोर्ट से इस पर निकल कर सामने आएगा, इस पर सबकी नजरें होंगी। दुर्गेश, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। रायपुर से मिल रही खबर, पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल पर तंज कसा है पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने। बीजेपी ने ना घर का रखा ना घाट का, ये कहना है पूर्व मंत्री कवासी लखमा का। उन्होंने कहा ब्रजमोहन ना विधायक बन पाएंगे ना ही सांसद। तो देखिए छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री हैं कवासी लखमा, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। आप छत्तीसगढ़ का डांड समझता था, लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। विष्णुदेव सरकार उनको कहीं नहीं छोड़ने वाला है, और उसको ना विधायक बन सकता है, ना MLA बन सकता है, ना सांसद रह सकता है। तो पूरा आपके मीडिया में देख रहे थे, सबसे पहला नाम छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल,
हम भी टीवी में पेट पेट के देख रहे थे भाई, मैंने अच्छा है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी ने घर में इतना लड़ाई झगड़ा चालू हुआ और मुख्यमंत्री का कुछ नहीं चल रहा है, दिल्ली से कुछ होता है होता है। तो ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद अब सियासत गरमा गई है, और क्या है वो बयान, क्यों गरमाई है सियासत, सब कुछ देखिए विस्तार से इस रिपोर्ट में। ऐसा है, मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ, मुख्यमंत्री जी जिस दिन कहेंगे उस दिन मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। क्या ब्रजमोहन अग्रवाल खफा हैं? क्या अगले 6 महीने मंत्री बने रहना चाहते हैं ब्रजमोहन? यह तमाम वह सवाल हैं जो ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद उठने लगे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रदेश भाजपा के दिग्गज नेता ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम केंद्रीय मंत्री की रेस में भी आगे चल रहा था, हालांकि उनको मंत्री नहीं बनाया गया और तोखन साहू बिलासपुर सांसद को जिम्मेदारी दे दी गई, जिसके बाद से अब मंत्री पद छत्तीसगढ़ शासन को लेकर कश्मकश का दौर शुरू हो गया है। जहां नए दावेदार मंत्री बनने की चाह रख रहे हैं, तो वहीं ब्रजमोहन अग्रवाल अगले 6 महीने तक मंत्री पद छोड़ने के विचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्री बनाया है और वह जिस दिन कहेंगे उस दिन इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री तो मैं 6 महीने रह सकता हूँ, पहले आप जान लीजिए कि कोई नेता अगर राज्य में मंत्री रहते हुए सांसद बन जाता है तो उसके लिए निर्वाचन आयोग की क्या गाइडलाइंस हैं? केंद्र में सांसद, राज्य में मंत्री कैसे? विधायक रहते सांसद की नहीं ले सकते हैं शपथ। नोटिफिकेशन 14 दिन के भीतर किसी एक सदन में देना होता है इस्तीफा। संविधान के आर्टिकल 75 में गैर सांसदों के मंत्री बनाए जाने का प्रावधान है, लेकिन इसमें एक शर्त है। आर्टिकल 75(5) के मुताबिक 6 महीने पूरे होने पर उसको मंत्री पद से हटना होगा। अब पूरे मामले को लेकर कांग्रेस भी भाजपा पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सीनियर सांसदों को भी मंत्री बनाना चाहिए था और ब्रजमोहन अग्रवाल इसी बात से खफा हैं। अब वह फैसला कर सकते हैं कि इस्तीफा किस पद से देना है, विधायक से या सांसद पद से। देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी विधानसभा से इस्तीफा देते हैं कि लोकसभा से इस्तीफा देते हैं, पहले वो तय कर ले, उसके बाद ही हम लोग बात करेंगे। ब्रजमोहन अग्रवाल भले ही कह रहे हैं कि अगर सीएम साहब इस्तीफा मांगेंगे तो मैं उसी दिन दे दूंगा, लेकिन इन सबके बीच में सवाल यही है कि आखिर ब्रजमोहन अग्रवाल कब तक मंत्री बने रहेंगे और इस्तीफा क्या मांगा जाएगा या फिर ब्रजमोहन अग्रवाल खुद दे देंगे। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार घटना पर बीजेपी जांच कमेटी के गठन पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विभिन्न घटनाओं में जांच कमेटी का गठन हुआ है। बलौदा बाजार में जो घटना घटी है दुर्भाग्यजनक है, पहली बार ऐसी घटना घटित हुई है, कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुई है और इसके लिए पार्टी की ओर से भी जांच कमेटी का गठन किया गया है। विभिन्न घटनाओं में जांच कमेटी का गठन होता रहा है और बलौदा बाजार में भी जो घटना घटी है वो तो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है, वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के 2 सीएम राइज स्कूलों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 10 स्कूलों में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था T4 एजुकेशन के सीएम राइज विनोबा स्कूल रतलाम को इनोवेशन श्रेणी में और सीएम राइज मॉडल उच्चतर माध्यमिक स्कूल झाबुआ को सपोर्टिंग हेल्दी लाइफ्स श्रेणी में चयनित किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने लिखा कि MP सरकार के प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा जा रहा है और इसके लिए सीएम ने स्कूल के सभी अधिकारी कर्मचारियों को स्टाफ को बधाई भी दी है। तो सीएम राइज स्कूल को जानिए, देखिए यहाँ बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं के विकास पर जोर दिया जाता है। इसके साथ ही बच्चों की शिक्षा का ध्यान तो रखा ही जाता है, लेकिन बच्चों के बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं के विकास पर भी जोर दिया जाता है। बच्चों की भावनात्मक सामाजिक क्षमताओं पर भी फोकस रखा जाता है। बात करेंगे कुवैत की बात करेंगे और इस घटना को लेकर और भी जानकारी आपको देंगे, जहां बुधवार सुबह एक बिल्डिंग में भयंकर आग लग गई थी जिसमें 45 भारतीयों की मौत हो गई थी। अब सभी शवों को स्पेशल विमान से कोच्चि लाया गया, एयरपोर्ट पर परिजन भी मौजूद रहे। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने सभी मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। और ये 5 तस्वीरें देखिए, इस घटना से जुड़ी हुई 45 भारतीयों के शव कोच्चि लाए गए हैं। एयरक्राफ्ट से इन शवों को भारत लाया गया
और सीएम पिनराई ने भी सभी को श्रद्धांजलि दी। बता दें 45 भारतीयों की कुवैत में मौत हुई। एयरपोर्ट से बाहर निकालते शव की तस्वीरें आप देखें और परिजनों में मातम पसरा हुआ है। तो 45 भारतीयों के शव कोची लाए गए हैं और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ये पास तस्वीरें आप देखिए, एयरक्राफ्ट से शवों को भारत लाया गया है और एयरपोर्ट से बाहर इन शवों को निकालते वक्त की तस्वीरें आप देखिए। 45 भारतीयों की मौत हो गई कुवैत में इस हादसे में और अब शवों को भारत लाया गया। और चलिए सीधे आपको तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि आज इटली पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली में देखिए ये इटली के राष्ट्रपति से बातचीत करते पीएम मोदी और देखिए इमैनुअल मैक्रोन इटली के राष्ट्रपति जिनसे मुलाकात कर रहे हैं पीएम मोदी। ये तस्वीरें आप देखिए, बता दें आपको कि लोकसभा चुनाव होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला विदेश दौरा है और इसके साथ ही ये तस्वीर देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले हैं पीएम मोदी और इस दौरान की तस्वीरें भी विस्तार न्यूज आपको दिखाता है। तो देखिए इटली पहुंचे हैं आज पीएम मोदी और आज लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ये विदेश दौरा है पीएम मोदी का। फ्रांस के राष्ट्रपति से उन्होंने मुलाकात की है और ये द्विपक्षीय वार्ता जिसकी तस्वीरें आप देखिए। तो G7 के लिए इटली में पहुंचे हैं पीएम मोदी और इटली में पीएम मोदी का आज आपको बता दें कि जोरदार स्वागत भी किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है जहां वार्षिक परीक्षा के दौरान बीए एलएलबी छात्रों को थर्ड की जगह फोर्थ का पेपर दिया गया और एक घंटे तक इसकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं था, जिससे नाराज छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा कर दिया। हंगामे को देखते हुए कुलसचिव मौके पर पहुंचे और पेपर को पोस्टपोन कराने का निर्णय लिया गया। छात्रों से बातचीत की हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा ने। एलएलबी के तमाम ये छात्र हैं और सुबह 8 बजे अपने वार्षिक परीक्षा को देने के लिए पहुंचे थे जहां पर इनको गलत पेपर जो है वो दे दिया गया। गलत पेपर देने की वजह से जो तमाम तरीके से लापरवाही है वो कह रहे हैं कि छात्र लापरवाही देखने को मिली है और लापरवाही इस प्रकार थी कि तमाम छात्रों को जो है कुछ लोग बातचीत करेंगे। क्या हुआ था, क्या कौन सा पेपर दे दिया था? सर हमारा पॉलिटिकल साइंस 3 का पेपर था और हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस 4 का पेपर मिल गया था और अब इनकी गलती के कारण हमारा पेपर पोस्टपोन हो रहा है। हमारे अभी तक डिपार्टमेंटल के इंटरनल वाइवास कंडक्ट नहीं हुए हैं तो हमारा पेपर काफ़ी ज़्यादा पोस्टपोन हो जाएगा, इससे हम लोगों को प्रॉब्लम होगी और इसमें हमारी गलती नहीं थी तो बेसिकली हमको तो पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए इसकी। क्या पेपर को लेकर क्या निर्णय हुआ है, आज ही होगा कि आगे होगा? हम सारे छात्र अभी घर चले गए, सारे लोग नहीं है तो आज तो हो नहीं पाएगा। ये लोग बोल रहे 10 तारीख को, लेकिन मैं 10 तारीख का अगर होता है करवाते तो मैं 10 तारीख को देने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे 11 तारीख को और भी पेपर, तो मैं लगातार दिलाने वाला नहीं हूँ। क्यों प्रदर्शन कर रहे थे, कौन सा पेपर दे दिया था? पेपर हम लोग का पॉलिटिकल साइंस 4 का दे दिया, जो कि आज पेपर था हम लोग का पॉलिटिकल साइंस 3 का पेपर था। क्या मांग कर रहे हैं, मांग क्या है, अब क्या निर्णय होना चाहिए, आगे पेपर बढ़ा दे कि आज ही पेपर? मतलब सर देखिए ऐसा है कि सर कुछ कुछ बच्चे जो कि दूर दूर से आते हैं वो सर अपने अपने घर चल दिए हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि सर पेपर थोड़ा आज पोस्टपोन हो जाए। डिपार्टमेंट को लेकर भी सवाल उठाते हैं आप लोग, क्या डिपार्टमेंट में खामियां हैं और प्रशासनिक स्तर पे भी खामियां हैं, क्या देख? हमारी डिपार्टमेंट बहुत लापरवाही करती है। तो कुल सचिव जी हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, क्या निर्णय हुआ है आगे? सर अगला 10 बच्चे बोल रहे हैं कि 10 तारीख को हो हमारा अगला पेपर, तो 10 तारीख के या 10 तारीख के बाद। हाँ ये चूक कहाँ हो गई कि दूसरे सेमेस्टर का पेपर दूसरे को दे दिया? ये अब देखते हैं, ये प्रशासन की तरफ से होगा, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से, तो जो भी इसमें शामिल होंगे या कहीं से जो गलतियां होंगी तो जो भी इसके लिए दोषी होगा उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बोले हैं पेपर नेक्स्ट टाइम करवाएंगे, लेकर में 10 तारीख 11 तारीख जो भी उनका डेट फ्री होगा उस डेट पे करवाएंगे। एक्चुअली हमने 1.5 घंटा इंतजार किया है, उसके बाद अभी 3.5 घंटा हो चुका है, हम लोग ने वहाँ वेट भी किया फिर भी एग्जाम का। एक्चुअली क्या है, लॉ डिपार्टमेंट में बहुत सारी खामियां हैं। तो निश्चित तौर पर इस तरह का मामला होता है और पेपर के पहले दिन इस तरह की लापरवाही बरती जाती है तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है। और सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जहां पहुंचे हैं कांग्रेस नेता और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें देखिए। ये हो क्यों गया और इसके लिए आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारीगण आज घटना स्थल के निरीक्षण करने हम लोग गए। सभा स्थल से कलेक्ट्रेट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है,
सभा में सुबह 10 बजे से लोग आना शुरू कर दिए, लगभग 150-200 गाड़ी में लोग बाहर से आए, अन्य जिलों से आए, और जानकारी यहाँ तक कहे कि नागपुर से भी लोग आए थे, जो स्थानीय लोगों ने जो बताया। और जब 10 बजे से भीड़ आना शुरू हो गया, प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं थी, दो जगह बैरिकेड लगाए गए थे, दोनों तोड़ दिए गए और सीधा कलेक्ट्रेट में घुसे, वाहनों को जलाए, कार्यालय तोड़ा गया, पत्थरों से तोड़ा गया, आग लगाई गई, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ धरी बैठी रही। जब उनको जानकारी है 10 बजे से भीड़ आनी शुरू हो गई है, तो पुलिस बल की व्यवस्था करनी थी, रोकने की व्यवस्था की नहीं गई, इनके पास कोई अल्टरनेटिव मैनेजमेंट नहीं था और सीधा ये कार्रवाई हुई। पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी को जलाया गया, फिर वाहनों को, रास्ते भर जितने वाहन मिलते गए उनको जलाते गए, ये जानकारी अभी मिली। अभी पूरा बलौदाबाजार जिले में दहशत का वातावरण है, भय का वातावरण है, कोई व्यक्ति कुछ कहने को तैयार नहीं है। बहुत सारी जानकारियां मिल रही है कि जिसके परिवारजन मिसिंग है, कोई नहीं बता रहा है कि 10 तारीख से लेके आज 14 तारीख हो गया, 4-5 दिन के बाद भी अभी तक के उसके परिवार के लोग कहाँ हैं, ये पूछने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कल एक महिला आई थी, हितेश ठाकुर जी बता रहे थे कि उसके पति कहाँ हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं, और आज आने के बाद कही थी और संपर्क करने की कोशिश की गई तो मोबाइल बंद है। अभी जब मैं कांग्रेस भवन में पहुंचा तो एक व्यक्ति मुंगेली का है, वो पिक्चर देखने आए थे और थिएटर से उठा के ले गए, रास्ते में जो मिल रहे हैं उसकी पिटाई कर रहे हैं। पहली बात तो ये पुलिस नाकाम रही, अब उसका खामियाजा आम जनता भोग रही है, रास्ते में पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं, उसको अंदर कर रहे हैं। रायपुर ग्रामीण के विधायक के रिश्तेदार भी यहाँ आए थे किसी काम से, उसको भी उसी गाड़ी को वाहन को तोड़ फोड़ किया गया, उसको भी बेदम पिटाई की गई। तो ये कुछ भी पुलिस निरंकुश हो गई है और पूरे बलौदाबाजार में और आसपास के गांव में एक दहशत का वातावरण बना हुआ है जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। और इसकी ये तस्वीरें आप बलौदा बाजार से देख रहे थे। बता दें कांग्रेस ने एक जांच समिति का गठन किया है और 7 सदस्यीय जांच समिति है जो बलौदा बाजार मामले की जांच करने पहुंची है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे जो इस घटना को लेकर जानकारी दे रहे थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। गरियाबंद विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान करवाकर लौट रही पोलिंग पार्टी को नक्सलियों ने निशाना बनाया था। मामले में NIA ने गोबरा गांव में दबिश दी, जहां 8 जगहों पर छापेमारी कर पूर्व सरपंच समेत 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। बता दें कि 17 नवंबर को मतदान दल घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान कराकर वापस लौट रहा था। इसी बीच बड़े गोबरा के पास नक्सलियों ने IED ब्लास्ट कर पोलिंग पार्टी को निशाना बनाने की कोशिश की। पैसा वैसा लेके आए हैं मना, तो पूछा था तो बता नहीं है मना, यहाँ तो बोला था कि हम अमन नहीं जाना था, दिल्ली से पुलिस वाला मना है, वो मन लेके जाए करके बोला था, ये मन का करत रही, ये कहना है अमन मन। पैसा 80,000। अच्छा, कौन निकाले पैसा? ना साहब मन खोज के पूरा पलंग कपड़ा लत्ता फेंक फिका की सब निकाली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहे विस्तार न्यूज़। नमस्कार।